फिर न कहे हो कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट। अब चोरी डकैती लूट करियो, खुले में घूमियो तो बच जाइयो ना भैया ना देखा ऐसा प्राण तुम्हारे जाइए शरीर से छूट। और देखा था सोशल मीडिया पर बढ़िया वीडियो वायरल हो रही थी, हम कर लो तो आपका बता दी कि पहचानो कि नहीं पहचानो। कभी धर्मराज जी बढ़िया देखा तो अपना सायराना अंदाज दिखा रहे थे। आपका बता दी कि सुल्तानपुर में जो बकदा डकैती भैराज ज्वेलर्स की दुकान में उमा बकदा अनुज का एनकाउंटर हुआ है, तो ऐसे मैं देखा थी बाराबंकी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर कभी धर्मराज जी ने दिखाया अपना अचित परिचित सायराना अंदाज। का बात है भैया, तनक सोच रहा सुल्तानपुर ठठेरी बाजार में सर्राफा व्यवसायी से हुई लूट कांड के एक और अभियुक्त इनामिया अनुज सिंह को, जो 1 लाख का इनामी भी था, आज उन्नाव में एसटीएफ और जिला पुलिस ने मार गिराया है। अब मार गिराया तो मार गिराया, अब क्या करें, कट गया टिकट। तो कहना है कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, सुन लो भाई हमारी बात सुन लो खुलेआम, कि यूपी में यदि करोगे कत्ल डकैती लूट, खाकर गोली पुलिस की प्राण जाएंगे छूट। प्राण जाएंगे छूट बहुत ही पछताओगे, रोता छोड़ परिवार नरक सीधे जाओगे, रोता छोड़ परिवार नरक सीधे जाओगे। और लुंगी तहमद तिलक चाहे घूमो टोपी में, लेकिन क्राइम छोड़ छाड़ रहना यूपी में, तुम जान लियो हा, नहीं तो फिर समझ जाओ खतरे है। अगर किहो अपराध तो भैया यूपी में कौनो गुंजाइश नहीं है, तो जाने रहे हो। फिर न कहो कि हम नहीं छोड़ी, बताए दिए थे। अब समझाओगे ना समझो भाई, धर्मराज जी पहले से बताया थे कि समझ लो भैया अभी भी वक्त है सुधर जाओ, समझोगे ना समझो, वरना ये ना कहो कि चोरी डकैती करे रन भैया पता नहीं रहा हमका, फिर अल्फा बीटा गामा बोलर तो नहीं जाओगे, ओके पता इसी गोली खाने को मिलेगी कि सीधे बकता पर लोग सीधा हार जाओगे। बाकी आपकी कार कमेंट कीजिएगा भैया सोशल मीडिया पर, यह वीडियो वायरल होता रहा है हम कह लो तो नहीं आपका दिखा दी। धर्मराज जी हैं अपने बाराबंकी में तैनात है, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब लखनऊ के भैया मनकामेश्वर मंदिर का नाम तो आप लोग सुन में करे होंगे, बाराबंकी के बहुत लोग जाते हैं महादेव के दर्शन करती हैं। लखनऊ में भैया बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मनकामेश्वर मंदिर, जहां पर देखा थी मंदिर में बाजार के प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपका बता दी कि मंदिर की कमेटी जो है भैया उनकी ओर से यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि तिरुपति मंदिर में जो बकदा लड्डू वाला विवाद हुआ है उसका देखत हुए यहाँ पर बकदा गाइडलाइन जारी की गई है और मंदिर में बाजार के प्रसाद पर रोक लगा दी गई है। बाकी देखो महादेव दिव्यागिरी जी मामले की जानकारी दे रही थी, बता रही थी। और जब प्रसाद को लेके ऐसी घटना हो तो मुझे लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा विषय था। तो हम लोगों ने ये कोशिश करी है कि गर्भगृह के अंदर, चूँकि विग्रह हैं और भोलेनाथ हैं, तो कम से कम वहाँ तक प्रसाद ना पहुँचे। अभी चूँकि कलेक्ट्रेट में जाके डीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपना है, उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि जो समय समय पे या तो प्रसाद की जांच होती रहे, या फिर जैसे वैष्णो देवी अन्य जगहों पे सूखे प्रसाद की व्यवस्था है, नारियल की एक घटना हुई तो नारियल बैन हो गया, या जो भी अपना ड्राई फ्रूट्स है वो उनको घर में ही तैयार करते हैं, उनका पाक बनाते हैं फिर वो ले जाते हैं। तो ऐसा सारे श्रद्धालुओं से हमें अनुरोध रहेगा कि वो लोग ऐसा करें, क्योंकि अगर प्रशासन कोई व्यवस्था करता है तो उन्हें लगता है कि हम पे कोई फोर्स किया जा रहा है। जब आप स्वतः, चूंकि कष्ट आपको हुआ है, धर्म आपका विशुद्ध हुआ है, तो ये अपने आप से एक इकाई के रूप में ये सहयोग बनता है कि आप लोग कोई भी मंदिर हो, यहाँ तो खैर महादेव का मंदिर है, प्रसाद की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाती है, अन्य अन्य जो भी मंदिर हैं उनको ये सोचना पड़ेगा। अब महान दिव्यागिरी जी की बात है सुनिए आप भैया, आप घर से बकता प्रसाद बना करके लाओ मंदिर में बढ़िया चढ़ाओ। बाकी देखो दिव्यागिरी जी ने डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है लखनऊ महा गलत ने आपका बता दी। बाकी भैया देखो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, अब मनकामेश्वर मंदिर हो या कोई और मंदिर हो भैया, जो भी भक्त हैं अपने घर से प्रसाद तैयार करके ले जाएं और भगवान जी को चढ़ाएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शंबा साहब को इस पर मिलेगी तो बेल आइकन जो जबरदस्त दीजिएगा।